नमस्कार, आप देख रहे हैं लगातार .in, मैं जीतन कुमार हूँ। सरकारी कार्यालयों में एक आम व्यक्ति की किस तरह से नहीं सुनी जाती है, उसी मामले को लेकर हम देवघर ब्लॉक में पहुँचे हैं। और ये सभी किसान हैं, और चूंकि KCC ऋण को लेकर ये सभी देवघर ब्लॉक आए थे, कल की घटना है। और किसी गार्ड ने, हाँ कृषक मित्र हैं, किसी गार्ड ने इनके साथ बदसलूकी कर दी है, उसी मामले को लेकर हम इनसे पूछताछ करेंगे। किनके साथ मारपीट हुई थी वो थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार आधा हुआ। क्या मामला क्या? सर, CI साहब के पास आए थे सिग्नेचर कराने के लिए, तो वीडियो बना रहे थे। CI साहब जब बोले कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, आई लाइन नहीं है, तो बोले वही वीडियो बना रहे थे हम, तो उसके कारण आए स्टाफ लोग तीनों गार्ड, और हमको जबरन मेरा मोबाइल छीन के ले गया और हमको भी ले गया, पकड़ गया, वहाँ टॉर्चर किया, मेरे साथ गाली गलौज मारपीट भी किया है, मेरा मोबाइल रिसेट मार दिया, उसमें मेरा पूरा डॉक्यूमेंट था। तो हम चाहते हैं कि वो तीनों खारिज हो जाए गार्ड। अभी आप लोग क्या अंदर गए थे, किनके पास? वीडियो के पास गए थे, तो उसके सामने CI साहब हम लोग से माफ़ी मांगे कि ऐसा दोबारा गलती नहीं होगा। तो और गार्ड आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा? जी जी, तो CI क्या बोलते गार्ड को? क्या नाम हुआ, क्या मामला क्या है? मामला है क्या सर, जैसे कि प्रखंड कार्यालय से हम सभी कृषक मित्रों को लगातार जो है सो प्रेशर दिया जा रहा है कि जितने भी PM किसान के लाभुक हैं सभी को KCC से आच्छादित करना है। उसी क्रम में कल हमारे केनमन काठी पंचायत के अंतर्गत मंगनासर गांव के किसान मित्र राजेश कुमार यादव अपने गांव के 4-5 किसान को लेकर के यहां पर आए थे। तो कर्मचारी से रिपोर्ट कराने के बाद जब CI के पास गए साइन कराने, तो CI साहब बोले कि अभी हम नहीं कर पाएंगे। उसी में थोड़ा चुतू में मैं हुआ, CI साहब बोले कि सर मारपीट नहीं, CI साहब मारपीट नहीं किया, CI साहब बोले कि हम अभी नहीं करेंगे, कल आइएगा। ये लोग बोला सर हम लोग खेती करने वाला है, रोज़ नहीं पाएगा आ पाएंगे। बोला नहीं आ पाइएगा छोड़ दीजिए, लेना कोई जरूरी नहीं है, खेती करना कोई जरूरी नहीं। ये बोला सर हम खेती नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे? उसी में CI साहब बोले कि आपका बाप का हम नहीं खाते हैं, हम अपना खाते हैं। तो ये लड़का, एक लड़का वीडियो बना रहा था, तो उसी में तीनों गार्ड आया, वो लड़का को पकड़ के ज़बरदस्ती केबिन में अंदर ले गया और वहाँ उसका मोबाइल रिसेट मार दिया, उसके साथ हाथापाई भी किया। एक और व्यक्ति है, ये भी बताएंगे, क्या नाम हुआ? जी मैं राजेश कुमार हूँ। जी हाँ हाँ, मेरे ही गांव के लड़के हैं, मेरा भाई लगेंगे। हम लोग CI साहब के पास गए थे कर्मचारी से रिपोर्ट करा के, CI साहब से बोले कि दस्तखत करे, बोला कि हम दस्तखत अभी नहीं कर पाएंगे, ले सर कर दीजिए पूरा रिक्वेस्ट हम लोग किए, लेकिन बोला कि हम नहीं करेंगे, हम किसी का बाप का खाते हैं क्या, किसी का बाप का खाते हैं क्या, यही कह के बोला कि सर बाप और इस गाँव का किसी का गुलाम भी नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द का व्यवहार उन्होंने किया। हमने रिक्वेस्ट किया सर 10 है कर दीजिए, जमा कर देंगे फिर। बोला नहीं नहीं आज नहीं करेंगे, कल 10 बजे आइए। बोले हम लोग सर नहीं आ पाएंगे सर, खेती का दिन है, कैसे आएंगे? बोले कि छोड़ दो खेती। आश्वासन क्या? अरे आश्वासन यही दिए हुए हैं, जैसे CI साहब बोला कि ऐसा गलती हमें अब दोबारा नहीं करेंगे, आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। CI के द्वारा माफ़ी मांगा गया, लेकिन गार्ड इसके द्वारा जो वीडियो बनाया गया था, जो गार्ड जो अभी भी इसको ले जाके मारा पीटा अंदर ले जाके, इसका मोबाइल रिसेंट मार दिया, उसके लिए हम लोग अभी अड़े हुए हैं। जब तक गार्ड को बर्खास्त, तीनों गार्ड को बर्खास्त नहीं करेंगे तो हम लोग काम पे नहीं आएंगे, यही मांग है। बिल्कुल, तो जिस गार्ड ने इनके साथ बदसलूकी की है उन तीनों गार्डों को बर्खास्त करने की मांग ये लोग कर रहे हैं, और मेरे अनुसार इस तरह की घटनाएं जो होती है लिहाजा उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आम व्यक्ति हैं। अगर एक आम व्यक्ति के साथ इस तरह से पेश आती है सरकारी पदाधिकारी, सरकारी कर्मी के द्वारा, तो एक्शन तो होना बनता है। देवघर से लगातार .in के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।